बॉलीवुड में अगर सलमान खान की फिल्म रिलीज हो रही है तो उस मौके पर कोई भी अपनी फिल्म रिलीज करके घाटे का सौदा नहीं करना चाहता, लेकिन भोजपुरिया स्टार पावर स्टार पवन सिंह को इससे कहां कोई फर्क। जी हां, ईद के मौके पर पवन सिंह की फिल्म जय हिंद आ रही है और ईद के ही मौके पर सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म भारत आ रही है। वैसे भी ईद हमेशा सलमान खान की ही होती है। यहाँ आपको बता दे कि सलमान खान के फैंस जिस तरह हर ईद में उनसे अच्छी फिल्मों की उम्मीद करते हैं, उसी तरह भोजपुरिया इंडस्ट्री में भी ईद के मौके पर लोग पावर स्टार पवन सिंह की फिल्में देखना पसंद करते हैं। वैसे सलमान खान के पिछले फिल्मों की बात करें तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा खास कमाल नहीं दिखाया है और अब भारत को लेकर सलमान खान कुछ ज्यादा ही सिक्योर हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि बॉक्स ऑफिस पर किसी भी तरह की क्लैश हो, फिर वो चाहे रीजनल सिनेमा को ही लेकर क्यों न हो। वैसे आपको यहाँ बता दे कि भारत और जय हिंद में टक्कर हो भी नहीं सकती। कहाँ, भारत मल्टी स्टारर फिल्म है और बड़े ही लार्ज स्केल पर बनाई गई फिल्म है। आपको यहाँ ये बता दे कि भारत को लेकर सलमान खान के फैंस में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है, भारत में सलमान के लुक को ही उनके फैंस काफी पसंद कर चुके हैं और अब तो इंतजार है सिर्फ ट्रेलर का। ठीक उसी तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में भी पवन सिंह के फैन उनके ट्रेलर और गानों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वैसे अब आपको एक बात और गौर करा दे कि भारत फिल्म काफी लार्ज स्केल पर तो बनी ही है, साथ ही साथ 4000 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज होगी। ठीक उलट जय हिंद रीजनल सिनेमा होने के कारण छोटे मोटे मल्टीप्लेक्स और छोटे मोटे सिनेमा घरों में रिलीज होगी, लेकिन ये किस तरह से सलमान खान की फिल्म भारत को इफेक्ट कर सकती है अब गौर करने वाली बात है। वैसे सलमान खान की पिछली फिल्मों ने कुछ अच्छा बिजनेस नहीं किया है। आपको यहाँ ये बता दे अगर पवन सिंह की फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होती है तो कहीं न कहीं छोटा मोटा ही सही, लेकिन सलमान खान को लॉस होगा ही, क्योंकि पवन सिंह यूपी बिहार और झारखंड के सुपरस्टार हैं और अब ईद के मौके पर ये दोनों फिल्में अगर टकराएंगी तो भले ही पूरे वर्ल्ड में नहीं लेकिन यूपी बिहार में तो सलमान खान को नुकसान झेलना ही पड़ेगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।